परिवहन मंत्री, उन्होंने भी भूपेंद्र भाई पटेल को नए मुख्यमंत्री के शपथ के लिए उन्होंने भी बधाई दिया। लिखा नितिन गडकरी ने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को गुजरात के नए मुख्यमंत्री चुने जाने की शुभकामना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात के विकास की गति में और तेजी आएगी। इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट करके बधाई दिया है कि इट इज़ वेरी गुड दैट भूपेंद्र पटेल हैज़ बीन चूजन टू बी द न्यू गुजरात सीएम, नाउ बीजेपी कमिंग टू पावर इन द गुजरात इन सर्टेन। उन्होंने कहा है कि अब गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में बीजेपी फिर से वापसी करेगी। इसके अलावा जिग्नेश मेवानी जो गुजरात के बड़े दलित नेता हैं, उन्होंने बधाई देने की जगह उन्होंने विरोध किस तरीके से किया, ये ट्वीट उनका देखिए। उन्होंने लिखा है कि जनता जब कोरोना में मर रही थी तब रूपाणी सरकार के पेट का पानी नहीं हिल रहा था। अब देखने वाला ये बात है कि जो बीजेपी ने जो अपनी नई रणनीति अपनाई है कुर्मी समाज से जो मुख्यमंत्री बनाने की और नेतृत्व देने का, तो अब इसका असर कितना जो है पटेल समुदाय यूपी में, कुशवाहा मौर्य समुदाय जो है जो कि कड़वा पटेल से आते हैं भूपेश भाई पटेल, उन उसका असर कितना होता है। क्योंकि सबसे पहले जो है बधाई देने वालों में सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री यूपी के हैं, डिप्टी सीएम हैं, इसके अलावा और भी तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो बीजेपी जो है अपनी रणनीति के राजनीतिक रणनीति के हिस्से के तहत टाइम टू टाइम समय टू समय कदम उठा रही है। तो ये अब देखने वाला समय बताएगा कि इसका फायदा बीजेपी को गुजरात के 2022 के चुनाव में और यूपी के 2022 के चुनाव में कितना लाभ होता है। लेकिन बीजेपी ने अपनी एक नई चाल तो चल ही दी है कि कड़वा पटेल जो कुशवाहा मौर्य साके सैनी माना जाता है यूपी में और बिहार में कुशवाहा जो हैं वो माने जाते हैं कोयरी, तो उस समाज से और उसी समाज से हार्दिक पटेल भी आते हैं, तो उसी समाज से हार्दिक पटेल आते हैं और हार्दिक पटेल को कहीं ना कहीं जो हार्दिक पटेल ने बीजेपी की जो इमेज को डेंट किया था उसी इमेज को डेंट से बचाने के लिए, उसी इमेज को कंट्रोल करने के लिए जो डैमेज हुआ था उसके लिए भूपेश भाई पटेल को नया मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि इसका कितना फायदा गुजरात में होता है। तमाम जो नेता थे बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी तक ने भी ट्वीट करके बधाई दे दिया है भूपेश भाई पटेल को, और बाकी के आपने देखा है कि किस तरीके से तमाम सारे नेताओं ने ट्वीट करके जल्दी जल्दी बधाई दी है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई आधिकारिक बधाई नहीं आया है, लेकिन कल ही उन्होंने जो ट्वीट करके पाटीदार समुदाय को संदेश देने का काम किया था उससे लग गया था कि गुजरात में मुख्यमंत्री इस बार पाटीदार समुदाय का ही होगा। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.